हाँ जी, कोई शरीर के द्वारा हमको कष्ट देता है या मन के वाणी के द्वारा कष्ट देता है या शरीर के द्वारा प्रहार करता है तो हम क्या करते हैं? देखो, ये बाबा कहते हैं हमको शरीर के द्वारा कोई कष्ट देता है, प्रहार करता है, वाणी के द्वारा, कठोर शब्द प्रयोग के द्वारा हमको कष्ट पहुंचाता है, तो हम क्या करें? गीता में कहते हैं जस्मन नदी नदी चति लोगो लोकान न उद्दीचते उद्दीचते तजप हर्षमर्ष भय बेगर मुक्त जस समेत जस्मन न उद्दीचते लोको लोकान न उद्दीचते तज हर्षमर्ष भय बेगर मुक्त जस समेत जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं, काय मन वचन से किसी भी अवस्था में काय मन वचन शरीर के द्वारा प्रहार करना, कठोर शब्द के द्वारा चित्त को दुखी करना, मन के द्वारा उसके अमंगल चिंतन करना, ये तीन प्रकार है। तो काय मन वचन से किसी को उद्वेग नहीं देते, जस्पन न उद्दीजते लोको लोकान न उद्दीजते चज लोकान माने दूसरे के द्वारा भी स्वयं उद्विग्न नहीं होते, ये कैसे संभव? ठीक है, हम किसी को दुखी नहीं दुख देंगे नहीं, काय मन वचन से इतना तो हम कोशिश कर सकते, होना संभव नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन भाई अकारण हमको कष्ट दे रहा है, दुखी कर रहा है, हमको प्रहार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें हमको उद्वेग नहीं होना चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए, ये कैसे संभव? हमको डंडा मार दिया आराम उद्वेग नहीं, हमको कष्ट नहीं होगा अकारण, अकारण हमको गाली दे दिया तो हमको कष्ट नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, ऐसे कैसे संभव? तो बोलते हाँ संभव। कैसे संभव? संभव है ये समझना चाहिए, रामचरितमानस में एक शब्द है, ना कोई काउ के सुख दुख दाता निज कृत कर्म सब फल भोग प्राप्त। कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं, निज कृत कर्म ही सुख दुख का कारण है। इसमें जो श्रीमद् भागवत पुराण में भी है, जो भिक्षु गीत में, एक ब्राह्मण था, बड़ा कष्ट पाया, बड़ा धन संग्रह किया, अंतिम वृद्धावस्था में सब धन संपत्ति लूट ले गया, चोर ने कुछ ले गया, अपने कुटुंब जन ले गया, ऐसा करके वो ऐसे क्या करेंगे, मजबूर होकर के साधु बन गया, सन्यासी हो गया, सन्यासी होकर के कितना कष्ट हो, खूब दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, बहुत धन संपत्ति इकट्ठा किया था, सब किसी चोर ले गया, कुछ तो परिजन ले गया, ठग के ले गया, ऐसा करके उनको एकदम वृद्धावस्था है, फिर दुखी होकर के साधु हो गए, साधु होकर करके भी उसको शांति नहीं, चैन नहीं, बच्चा लोग पीछे पड़ जाता है, कोई झोली खींच लेते हैं, कोई शरीर में थूक देता है, कोई धक्का मारता है, मौन होते, मौन हो गए, अरे ये दुष्ट है, ये भीतर भीतर बात नहीं करने का ढोंग करता है, बस तुम्हें ये ऐसा नहीं है, ऐसा करके उसको बात करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उस समय श्रीमद् भागवत पुराण में है, वास्तव में सुख दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, क्या प्रारब्ध है, क्या संस्कार है, क्या माया है, क्या काल है, न हमारे को चित्त अभिमान है, न क्या है, ऐसे अच्छी तरह से इसको विचार किया है ना। तो कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं है, निज कृत कर्म ही कारण है। हम किसी को दुखी किए हैं कभी, कोई जन्मांतर में वो दुख हम पा रहे हैं, एक माध्यम है, ये हमको दुखी कर रहा है, ये नहीं, वो हमारे कृत कर्म, कोई सुखी कर रहा है, कोई हमको कुछ दे रहे है, कोई आदर कर, वो नहीं, किसी जन्म में उसका लेन देन है, हमको वो दे रहे हैं, कारण होने कारण हमारे कृत कर्म है। तो ऐसे जानकर के वो
अपना निजीकृत कर्म जान करके, जो ये तो मैं ही कारण हूं जान करके, किसी को दोषी नहीं समझते, जो ये कारण नहीं, कारण मैं हूं। ना कोई काउ के सुख दुख दाता, निजीकृत कर्म सब फल भोग प्राप्त, ऐसे जान करके मन को शांत रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ये कारण नहीं, कारण मैं ही हूँ, मेरे कृत कर्म ही कारण है। ठीक, छोड़कर क्या चले जाएंगे? चले जाओगे क्यों, वहीं रहना है। जहाँ जाओगे तुम्हारा ठग है, ऐसा बुद्धि भी बढ़ जाए है, ऐसा नहीं है तुम्हारे कर्म, शायद ऐसे भी हो सकता है, इससे भी खराब स्थिति हो सकता है। क्या समझते हो, जो तुम यहाँ से निकल जाओगे बाहर जाओगे तो कोई बस कोई चिंता नहीं, एकदम पूर्ण शांति पूर्ण आनंद, ऐसा होता नहीं। उसी को सहन करो, प्रभु ही कारण है, प्रभु ही कारण जान करके प्रभु के शरण में रहना। जो करते हैं प्रभु करते हैं, जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, प्रभु हम तुम्हारे शरण में हैं बस। इसीलिए रविंद्रनाथ टाइगर एक सुंदर प्रार्थना किए हैं, दुखे मोरे सांत्वना दाओ ए नही मोर प्रार्थना, दुखे रे जान करते पारी जय, विपदे मोरे रक्षा करो ए नही मोर प्रार्थना, विपदे रे जान ना करी भय। बड़ा सुंदर थे ऐसे साधु, संसारी थे लेकिन नोबेल प्राइज प्राप्त किए सब। तो दुख है, अगर हमारा जब दुख होता है जब, उस समय तुम आके हमको सांत्वना दो, ये मेरी प्रार्थना नहीं, तुम इतनी कृपा करो दुख को मैं दुख के ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं, और विपदे मोरे रक्षा करो ये नहीं मोर प्रार्थना, मेरी ये प्रार्थना नहीं, विपत्ति के समय तुम आके हमको रक्षा करो, विपदे मोरे रक्षा करो ये नहीं मोर प्रार्थना, विपदे रे जान ना करी भय, विपत्ति को मैं भय ना करूं, ये तुम्हारी कृपा जान करके, तुम ही कारण जान करके, तुम्हारी अनुकंपा जान करके उसको मैं भय ना करूं, मैं उसके सामना करने के लिए तैयार रहूं, मैं घबराऊं नहीं। ये वीर साधक है ना। जय गुरु जय गुरु जय राधा।